नीतीश कुमार जी ने खुद ही कंप्लेन किया था जब बिस्कोमान में करोड़ों रुपए जा रहे थे और पकड़े जा रहे थे। हो सकता है माननीय नीतीश जी ने जो उस समय संज्ञान में लिया था बिहार सरकार ने, क्योंकि इसको नमस्कार, आप सभी का स्वागत है NBC 24 न्यूज पे, मैं रत्नेश पांडे। आज सुबह ही सुबह बिहार में CBI की एंट्री हो गई। RJD के MLC और लालू परिवार के बेहद करीबी बिस्कोमान के चेयरमैन MLC सुनील सिंह के घर पर CBI की रेड पड़ गई, जिसके बाद से बिहार की राजनीति में खलबली मच गई। उसके बाद लगातार इतना ही नहीं, RJD के 5 और भी लोगों के घर के ऊपर में छापेमारी चल रही है। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, दोनों आवासों पे सुबह सुबह जा करके किस तरीके से CBI की टीम वहां पहुंची हुई है, छापेमारी जारी है। हालांकि सुनील सिंह और उनकी पत्नी अपने बालकनी में भी आए थे, कुछ नहीं कहा उन्होंने, इशारों इशारों में ही उन्होंने मीडिया को कहा, बातचीत हुई, लेकिन कुछ भी बोल नहीं पाए सुनील सिंह। अब इधर BJP से इस पर सवाल किया गया है तो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार ने खुद MLC पर छापा पड़वाया है। कारण उन्होंने बताया कि इस तरीके से बिस्कोमान में धांधली को लेकर के, बिस्कोमान में गबन को लेकर के उन्होंने एक बार प्रश्न उठाया था। इसको लेकर के संजय जायसवाल ने कह दिया कि नीतीश कुमार के इशारे पर MLC सुनील सिंह पर CBI का छापा पड़ रहा है। पहले संजय जायसवाल को सुनिए, उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी को लगाती नहीं है, किसी को फंसाती नहीं है। आज से 1.5 साल पहले नीतीश कुमार जी ने खुद ही कंप्लेन किया था जब बिस्कोमान में करोड़ों रुपए जा रहे थे और पकड़े जा रहे थे। हो सकता है माननीय नीतीश जी ने जो उस समय संज्ञान में लिया था बिहार सरकार ने, क्योंकि स्कॉर्पियो की गाड़ी पकड़ाई थी, पैसे के साथ विधानसभा से जाते हुए गाड़ी पकड़ाई थी, टिकट के बदले पैसे दिए जा रहे थे। इन सब चीजों की जो परिणति होती है वह हो रही है। टाइमिंग पे सवाल, संजय जायसवाल जी टाइमिंग पे सवाल उठ रहा है ना? कोई टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग का क्या बात है। तो आपने BJP के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि CBI जो है, भाजपा कभी भी नहीं चाहती है CBI किसी के ऊपर में छापा पड़े। वो नीतीश कुमार के का ही देन है। बिस्कोमान में एक बार गबन हुआ था, इसको लेकर के नीतीश कुमार ने प्रश्न भी खड़ा किया था। साथ ही साथ आपने देखा टिकट के बदले पैसे को लेकर के भी बातचीत कहे थे नीतीश कुमार, उस पर भी संजय जायसवाल ने प्रश्न उठाया। तो क्या वाकई में नीतीश कुमार के इशारे पर एमएलसी के आवास पर छापा पड़ रहा है? बाकी और 4-5 जो विधायक है उन पे किसके इशारे पर छापा पड़ रहा है, ये तो अब RJD की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से बिहार में CBI का एंट्री हुआ है आज सुबह सुबह, आज नई सरकार बनी है और नई सरकार में आज अपने बहुमत को साबित करना है, इसको लेकर के विधानसभा में 2 दिवसीय सत्र का आयोजन किया गया है। उसके साथ ही विजय सिन्हा जो वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनको आज इस्तीफा भी देना है। तो क्या कुछ होगा वो तमाम खबरें हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।